हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज क्लास रे आमे तुम इंग्लीश रो सेकंड पोएम दि सॉलिटरी रिपर रो बहिरे थिबा समस्त क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिबा। जे माने ए लेटर टू गॉड एवं ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो क्वेश्चन आंसर क्लास देखि नहांती से मानको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिलिजिबो किंबा ऊपर आई बटन रे लिंक मिलिजिबो, सेठार जाय सेही क्लास दुटी को देखि पारिबे। तेणु देख प्रथमे लेट्स अंडरस्टैंड दि पोएम। आंसर दि फॉलोइंग क्वेश्चन ओराली। यू मे रिफर टू दि टेक्स्ट विथ योर वर्ड नॉलेज टू लोकेट दि फैक्ट्स इनफॉरमेशन रिक्वायर्ड। ताले ओराली तुम्हें आंसर देखे कही। देख प्रथम प्रश्न दिला कौन, ह्वाट इज दि सेंट्रल आइडिया ऑफ दि पोएम। दि सॉलिटरी रिपर पोएम रो सेंट्रल आइडिया कौन थिला। चार्टा ऑप्शन देखिए, देख रिपर्स कैन सिंग लाइक बार्स ना, स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए रिच हार्वेस्ट मेक्स दि रिपर हैप्पी। तेनालीरु राइट आंसर हम कौन ना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। जदि ब्यूटीफुल माने सुंदर अनुभूति रही थी से सुंदर अनुभूति सेटा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पकेब, बहुत समय धरी सेटा इफेक्ट पकेब। तेणु यहाँ हूँ पोएम रो सेंट्रल आइडिया। तेणु ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख दि सेटिंग ऑफ दि पोएम इज डैश। ताले दि सेटिंग ऑफ दि पोएम इज डैश दि अरेबियन डेजर्ट्स ना दि ब्रिटिश आइजल्स ना दि हर्बाइट्स आइलैंड्स ना दि माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। तेणु दि सेटिंग ऑफ दि पोएम हूँ कौटा को कथ आलोचना कराई ना दि माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड रे जो माउंटेन गुड़ा रही पर्वत श्रेणी गुड़ाक रही कथाटे आलोचना कराई। तेणु ऑप्शन डी एठार आम राइट आंसर हो। तीन नंबर देख, हु आर दि पीपुल डिस्क्राइब इन दि पोएम। क्यों लोक मानक अर्थात यही पोएम डिस्क्राइब कर। आंसर हम दि रिपर्स ऑफ स्कॉटलैंड आर दि पीपुल डिस्क्राइब इन दि पोएम। स्कॉटलैंड रो लोक मानक एठार ये पोएम डिस्क्राइब कर। दि रिपर्स ऑफ स्कॉटलैंड आर दि पीपुल डिस्क्राइब इन दि पोएम। नेक्स्ट देख चार नंबर, हु डज दि एक्सप्रेशन हाइलैंड लास रिफर टू। व्हाई डज ही डिस्क्राइब हर एज ए योन सोलिटरी हाइलैंड लास। यार अर्थ है जे हु डज दि एक्सप्रेशन हाइलैंड लास रिफर टू। हाइलैंड लास क्या रेफर करे एवं व्हाई डज ही डिस्क्राइब हर एज योन सोलिटरी हाइलैंड लास। एवं एठारे कवि कहीं से झोट जो गीत गाला योन सोलिटरी हाइलैंड लास बोली कहीं डिस्क्राइब कर। आंसर हम दि एक्सप्रेशन हाइलैंड लास रिफर टू दि यंग गर्ल हु वाज कटिंग दि क्रॉप्स एंड सिंगिंग ए सॉन्ग। ताहले जो एक्सप्रेशन हाइलैंड लास्टा क्या रेफर कर यंग गर्ल को युवती जन को रेफर कर जी कि कटिंग दि क्रॉप्स एंड सिंगिंग ए सॉन्ग। जी कि शस्य काटुले गीत गाँवते ही डिस्क्राइब्स हर आज यन सॉलिटरी हाइलैंड लास आज सी वाज ऑल एलोन इन दि फिल्ड। ताहले एठारे कवि ताकू डिस्क्राइब कर यंग गर्ल टी से युवती जन को से झीटी को यन सॉलिटरी हाइलैंड लास भाव में कहीं कारण सी वाज ऑल एलोन इन दि फिल्ड कारण से एकुटिया से फिल्ड रे काम करूला। नेक्स्ट देखो पांच नंबर, व्हाट इज दि गर्ल डूइंग। झीटी कौन करूला। आंसर हम दि गर्ल वाज कटिंग एंड बाइडिंग दि ग्रेन आज वेल आज सिंगिंग ए सॉन्ग। ताले झीटी शस्य गुड़ी काटुला एवं शस्य गुड़ी बांधुला एवं गीत गाला। नेक्स्ट देख, हू डज दि पोएट से स्टॉप हियर ओ जेंटली पास। व्हाई डज ही से सो। ताले कहा को एठारे कहा जाइछि जे स्टॉप हियर और जेंटली पास एवं व्हाई डज ही से सो एवं कहीं कवि यह कहते स्टॉप हियर ओ और जेंटली पास। आंसर देख, दि पोएट सेज दैट एनीवन पासिंग बाय शुड आइदर स्टॉप हियर और जेंटली पास ही से सो आज नॉट टू डिस्टर्ब हर इन हर सिंगिंग। ताहले पोएट अर्थात कवि कहते स्टॉप हियर और जेंटली पास कहीं कारण
ही सेज सो आज नॉट टू डिस्टर्ब हर इन हर सिंगिंग जेहेतु से यंग गर्लटी गीत गाउथिला ताको डिस्टर्ब न करिया पाई कवि एक कथा कहिसेंति स्टॉप हर और जेंटल पास अर्थात एठा रुह किंबा भद्र भावे चली जाओ बुझेल समस्ते एथर देख नेक्स्ट पिक आउट दि वर्ड्स व्हिच टेल दैट दि गर्ल डज नॉट हैव एनीवन बाय हर साइड तले पिक आउट दि वर्ड्स तले सही वर्ड को पिक कर व्हिच टेल दैट जहाँ कि कहे दि गर्ल डज नॉट हैव एनीवन बाय हर साइड तले कौन से हम ना सॉलिटरी एलन बा सिंगल एलन माने एकुटिया सिंगल मध्ये माने एकुटिया बुझल सॉलिटरी अर्थ मध्ये एकुटिया तले सॉलिटरी एलन बा सिंगल हवा राइट आंसर व्हाट इज दि टोन ऑफ हर सॉन्ग हैप्पी सैड सुथिंग और सिंपैथेटिक तेबे जो गीतटी से झीटी गाउथिला तार टोनटा कि भलिया थिला खुशी थिला ना दुख थिला ना सुथिंग थिला ना सिंपैथेटिक थिला आंसर हबो सैड थिला अर्थात दुखपूर्ण संगीत से गाउथिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर ओवरफ्लोइंग विथ साउंड एक्सप्लेन ओवरफ्लोइंग विथ साउंड साउंड द्वारा विचलित होगा ओवरफ्लोइंग होगा यार अर्थ कौन एक्सप्लेन करो आंसर है दि पोएट अर्जेस अस टू लिसन एंड फील दि इफेक्ट ऑफ दि सॉन्ग अकॉर्डिंग टू दि पोएट दि होल वैली इज ओवरफिल्ड विथ दि एन्चेंटिंग सॉन्ग ऑफ दि सॉलिटरी रिवर तेबे एठारे कवि कहते जे से झीटी जो गीत गाँव से गीतटी को शुण एवं अनुभव कर से गीतटी से गीतटी को शुण एवं अनुभव कर अकॉर्डिंग टू दि पोएट एवं पोएट अनुसार दि होल वैली टोटल वैलीटा टोटल उपत्यकाटा से स्कॉटलैंड माउंटेन रेंज रो टोटल उपत्यकाटा कौन थी ना से सॉलिटरी रिवर जो गीत गाउथिला से झीटी जो गीत गाउथिला से गीत द्वारा से ओवरफ्लो होता अर्थात सबुआड़े से गीतटी सुखा जाता दस नंबर प्रश्न देख दि सॉलिटरी रिवर सॉन्ग रिमाइंड्स दि पोएट ऑफ अदर सिंगर्स हु आर दे तेबे दि सॉलिटरी रिवर जो गीतटी ता मन पक जा दि पोएट ऑफ दि अदर सिंगर्स अन्य कवि मान गीत को मन पक जाता हु आर दे बुझा चेस्टा कर दि सॉलिटरी रिवर सॉन्ग रिमाइंड्स दि पोएट ऑफ अदर सिंगर्स पोएट को अर्थात कवि को सॉलिटरी रिवर जो गीतटी गाउथिला अर्थात से झीटी जो गीतटी गाउथिला से गीतटी अन्यान्य सिंगर मान अर्थात अन्यान्य गायक मान गीत को कवि को मन पक जाता हु आर दे ताले से जो सिंगर माने किए किए आंसर हम नाइट एंगल आ कुको नाइट एंगल आ कुको को मन पक जाता बुझल नेक्स्ट देख एगार नंबर प्रश्न हु सिंग्स वेलकम नोट्स व्हेयर फॉर होम वा व्हाट फॉर ताले हु सिंग्स वेलकम नोट्स किए गाई वेलकम नोट्स एवं केउठारे काहाकु एवं कौन पाई आंसर हम दि नाइट एंगल सिंग्स वेलकम नोट्स इन दि सैडी प्लेसेस एवं दि अर्बन सैंड्स फॉर दि टायर ट्रैवलर्स टू वेलकम एंड सूथ देम तेबे नाइट एंगल गाई कौन ना से वेलकम नोट्स कहीं गाई कौट कौ गाई ना सैडी प्लेसेस एवं दि अर्बन सैंड अर्बन सैंड अर्थात अरब सगर जो बेलाभूमि रही जो सैडी प्लेस गुड़ा रही जगार गाई फॉर हुम कहापाई ना फॉर द टायर ट्रैवलर्स जो ट्रैवलर मैंने भ्रमण करने को जेहेतु थकी जाए गाई व्हाट फॉर कहीं गाई ना टू वेलकम एंड सू देम से वेलकम करने स्वागत जनवाई टी भल अनुभूति से नाइट एंगल गीत गाई नेक्स्ट देखा हुज वॉइस इज थ्रिलिंग कहार वॉइस अत्यंत रमणीय थिला थ्रिलिंग थिला आंसर हम दि वॉइस ऑफ दि कुकोबार इज थ्रिलिंग कुकोबार वॉइस अति रमणीय अटे अति मधुर अटे नेक्स्ट व्हेयर डज इट सिंग व्हेन ताले कुकोबार केउठारे गीत गाए एवं केते बेले गीत गाए आंसर हम इट सिंग्स इन दि मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ दि सी इन स्कॉटलैंड इन स्प्रिंग तेबे कुकोबार कौटी गीत गाए ना रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ द सी इन स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड रो समुद्र रे जो बहुत आइलैंड रही से आइलैंड रे कुकोबार गीत गाए को माने को ऋतु रे माने केबे ना स्प्रिंग रे बसंत ऋतु रे कुकोबार गीत गाए कौटी गीत गाए जो स्कॉटलैंड रो समुद्र गुड़ाक रही से समुद्र भितर जो आइलैंड गुड़ाक रही द्वीप गुड़ाक रही
कुकबार गीत गाए बा गीत गाँच। नेक्स्ट 14 नंबर हु डज वार्सरथ कंपेयर दि फार्मर गर्ल विथ व्हाई ताले वार्सरथ हु डज वार्सरथ कंपेयर दि फार्मर गर्ल विथ व्हाई तेबे वार्सरथ से बालिकाटी को यंग गर्ल टी को का सहित कंपेयर करंपेयर कर आंसर हम वार्सरथ कंपेयर्स दि फार्मर गर्ल विथ दि नाइटेंगल एंड दि कुकोबार्ड बिकज हर टोन वाज आज मेलोडियस आज दि कुकोस एंड नाइटेंगल्स तेबे वार्सरथ से झीटर से झीटी को नाइटेंगल एवं कुकोबार्ड कुकोवार एवं नाइटेंगल सहित कंपेयर करंपेयर करना बिकज हर टोन वाज आज मेलोडियस आज दि कुकोस एंड नाइटेंगल्स कारण से झीटर टोन अति मधुर थिला का अपेक्षा बा का भलिया ना कुकोबार एवं नाइटेंगल जमी स्वर मधुर अटे ठीक सेमती से झीटर स्वर अत्यंत मधुर रही है से झीटी को वार्सरथ अर्थात यही पोएमटर कवि वार्सरथ से झीटी को नाइटेंगल आ कुकोबार सहित कंपेयर कर। 15 नंबर देख दि प्रेजेंट गर्ल्स सॉन्ग इज नॉट इंटेलिजेंस टिक दि राइट आंसर ताले कोड़ा राइट आंसर हम प्रथम ऑप्शन देची हर सॉन्ग इज एन डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ही इज फार अवे टू हियर दि वर्ड्स ऑफ दि सॉन्ग। नेक्स्ट है हर वॉइस इज नॉट क्लियर एज सी इज हमिंग दि वर्ड्स। नेक्स्ट है हर वॉइस इज टू सॉफ्ट फॉर हिम टू गेट राइट आंसर हम कौन ना हर सॉन्ग इज ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड बुझेल हर सॉन्ग इज एन इज इन ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हम ये राइट आंसर। तापर 16 नंबर देख व्हाट डज दि फ्रेज हम्बल ले मीन हम्बल ले रो अर्थ कौन आंसर हम दि फ्रेज हम्बल ले मीन्स ऑर्डिनरी सॉन्ग और ए मॉडलेस्ट सॉन्ग। हम्बल ले रो अर्थ है साधारण गीत बा मॉडलेस्ट गीत। दि एक्सप्रेशन पेंटेटिव नंबर्स रिफर्स टू सैंड म्यूजिक पिक आउट आनंदर फ्रेज इन दि पोएम क्यारिंग दि सेम मीनिंग तेबे प्लेंटेटिव नंबर्स क्या रिफर कर सैड म्यूजिक सैड म्यूजिक को रेफर करें पिक आउट आनादर फ्रेज इन दि पोएम क्यारिंग दि सेम मीनिंग तेल आउ गोटे फ्रेज ये पोएम रु बाहर कर जार अर्थ ए प्लेंटेटिव नंबर्स भाया तो आंसर हम कौन दि एक्सप्रेसन प्लेंटेटिव नंबर्स रिफर्स टू सैड म्यूजिक आनंदर फ्रेज इन दि पोएम क्यारिंग दि सेम मीनिंग इज मेलानकोली स्ट्रेन तेल प्लेंटेटिव नंबर्स सैड म्यूजिक रेफर कर ठीक सेमती आभिया गोटे सिमिलार फ्रेज है कौन ना मेलानकोली स्ट्रेन। 18 नंबर प्रश्न देख ह्वाट डज दि पोएट मीन टू से आज इफ हर सॉन्ग कुड हाव नो एंडिंग ताले कहीं पोएट कहार अर्थ कौन जे आज इफ हर सॉन्ग कुड हाव नो एंडिंग से गीतर कौन समाप्त ही ना टिक दि मोस्ट आप्रोप्रिएट आंसर बिलो तय जो ऑप्शन गुड़ा देखिए ऑप्शन गुड़ी मध्य के ठीक है। देख हर सॉन्ग इज टू लॉन्ग टू एंड तहार गीत बहुत लंबा अटे सी किप्स ऑन सिंग मैंने तार गीत अधिक लंबा अटे सरियापी। नेक्स्ट है सी किप्स ऑन सिंगिंग एंड सिंग्स नॉट टू एंड एवं से गायबा जारी रखिंटी यह सरबार कौन सी प्रभाव ना। नेक्स्ट है दि पोएट डज नॉट वांट दिस सॉन्ग टू एंड दि एवं पोएट चाहूना से सॉन्ग एंड करने। नेक्स्ट है दि सॉन्ग कंटेन्स एन एवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल्स ना से गीतटी एवरलास्टिंग अटे एवं जोटा कि बारंबार रिसाइकल हेबो तले आंसर कौन हम ना सी किप्स ऑन सिंगिंग एंड सीम्स नॉट टू एंड अर्थात से गीत गायबा चालू रख मैंने से झीटी गीत गायबा चालू रखिता एवं जोटा कि कौन सी शेष हबार समाप्ति को सुचारू नाला से झीटी किप्स ऑन सिंगिंग से गीत हिंदी गाऊ अच्छी जोटा कि गीत एंड हबार कौन प्रश्न ही उठी ना तेणु ऑप्शन एठारे राइट आंसर हम बीटा बुझेल समस्ते। ताप देख 19 नंबर दि पोएट लिसेंस मोशनलेस एंड स्टिल बिकज ताले पोएट शुणती मोशनलेस भाव में स्टप है कहीं दि रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ दि सिंगर होल्ड्स हिम मेसमराइज्ड एंड स्पेलबाउंड ना ही वाज टायर्ड आफ्टर वॉकिंग अप हिल ना ही वांटेड टू लर्न दि वर्ड्स एंड राइट थीम
of the song. Now he is rooted to the spot by the girl's beauty. Later, right answer कहाँ पर? ना option A है The rich melodious voice of the singer holds him mesmerized and spellbound. बुझाला समझते? ये तो देखो next कोड़े नंबर प्रश्न. How did this song affect the narrator? से गीतटी केमिति नैरेटर को अफेक्ट करिछि आंसर हबो नो डाउट द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर वाज मेलोडियस तले एथिरे कोनसी डाउट नाही जे से गीतटी जो सॉलिटरी रिपर टी गाउथिला बा से बालिकाटी गाउथिला सेटा माने में बहुत मेलोडियस थिला एथिरे कोनसी डाउट नाही द नैरेटर वाज डीपली इंप्रेस्ड बाय द स्वीट टोन ऑफ द गर्ल एवं नैरेटर डीपली गभीर भाबरे से झियोटी रो मधुर स्वर रे बहुत इम्प्रेस हो गले खुशी हो गले इट हेल्ड हिम मेस्मराइज्ड एंड स्पेल बाउंड एवं एहा तांकू मेस्मराइज्ड एवं स्पेल बाउंड कहि देला तापर देखो 21 नंबर प्रश्न इन स्टांजा 1 एंड स्टांजा 2 फोर वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो दैट द गर्ल वर्किंग इन द फील्ड्स इज विदाउट एनी वन बाय हर पिक आउट दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस तबे स्टांजा 1 एवं स्टांजा 2 रे चारटा वार्ड रही फ्रेज रही कि यूज टू शो दैट गर्ल वर्किंग इन द फील्ड्स इज विदाउट एनीवन बाय हर अर्थात से झीटी एकुटिया ही काम कर सूचाऊँ तेल से वार्ड गुड़ाक फ्रेज गुड़ाक ये लेख यह प्रश्न देखिए आंसर लिख स्टांजा 1 एंड स्टांजा 2 फोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो दैट गर्ल वर्किंग इन द फील्ड्स इज विदाउट एनीवन बाय हर तले स्टांजा 1 एवं स्टांजा 2 रे चारोटी वर्ड एवं फ्रेज सूचाऊँ जे से झीटी एकुटिया काम कर सहित जमीन जिते बड़े काम करता सहित कहीं ना से वर्ड गुड़ाक है से वर्ड एवं फ्रेज गुड़ाक है सिंगल सॉलिटरी बाय हरसेल्फ एलोन कट्स बाइंड्स आउ सिंग्स देख गोटे सिंगल गोटे सॉलिटरी गोटे बाय हरसेल्फ गोटे एलोन गोटे कट्स एंड बाइंड्स आउ गोटे सिंग्स ये हम आंसर एथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देख द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग कंटेन्स सैडनेस सॉलिटरी रिपर सॉन्गटा सैडनेस कंटेन करुला अर्थात से गीतटा जो गाला से गीतटा टोटल दुखपूर्ण गीत था व्हाट अदर वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैड तले सैड जगह आउ को वर्ड गुड़ाक यही पोएम द सॉलिटरी रिपर यूज हो देख द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग कंटेंट सैडनेस ताले सॉलिटरी रिपर सॉन्ग सॉन्गटा सॉन्ग जो थीमटा से सैडनेस को कंटेन करे बा से गीतटी सैडनेस ऊपर आधारित द अदर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैड आर एवं सैड जगह जो अन्न वर्ड गुड़ाक व्यवहार होती वर्ड गुड़ाक है मेलानकली प्लेटेटिव अनहैप्पी आउ सर मन रख मेलानकली प्लेटेटिव अनहैप्पी आउ सर 23 नंबर प्रश्न देख व्हाट आर दि टू सिनोनिम्स ऑफ दि यंग गर्ल यंग गर्ल दुईट सिनोनिम कौन है देख दि टू सिनोनिम्स ऑफ फॉर दि यंग गर्ल्स आर लैश आउ मैडन लैश आउ मैडन ये दुईटा हूँ यंग गर्ल सिरोनिम माने प्रतिशब्द यंग गर्ल प्रतिशब्द हम गोटे लैश आ गोटे मेडन बहुत इंपोर्टेंट आपको मन रखीद 24 नंबर प्रश्न थ्री अदर वर्ड्स आर यूज्ड टू मीन सॉन्ग व्हाट आर दे थ्री अदर वर्ड्स आर यूज्ड टू मीन सॉन्ग अर्थात तीनोटी वर्ड को माने तीनोटी अन्य वर्ड को व्यवहार कराई जार अर्थ सॉन्ग अटे गीत अटे तो से वर्ड गुड़ाक कौन व्हाट आर दे देख थ्री अदर वर्ड्स आर यूज्ड टू मीन सॉन्ग दे आर नोट्स टेन आर नंबर्स ले तले से जो तीनोटी अदर वर्ड सॉन्ग जगह व्यवहार करें सिनोनिम्स ऑफ सॉन्ग कौन ना गोटे नोट्स गोटे स्ट्रेन आ गए नंबर्स बा ले देख नेक्स्ट क्वेश्चन ए मेलानकली स्ट्रेन इन स्टांजा टू मीन्स सैड सॉन्ग तले मेलानकली स्ट्रेन अर्थ है सैड सॉन्ग तले फाइंड आउट अनदर फ्रेज इन स्टांजा 5 विदाउट सिमिलर मीनिंग तले आउ किछि फाइंड आउट अनदर फ्रेज इन स्टांजा 5 अर्थात स्टांजा 5 रु आउ किछि अन्यन फ्रेज को बाहर कर जार अर्थ पूरा सिमिलर अर्थात ए मेलानकली स्ट्रेन भलिया सिमिलर बा सैड सॉन्ग भलिया सिमिलर अटे आंसर हबो ए मेलानकली देखो ए तार स्पेस दे लिखि भला ए मेलानकली स्ट्रेन इन स्टांजा 2 मीन्स सैड सॉन्ग
Another phrase in standard 5 with similar meaning is plantative numbers. एवं plantative numbers रो अर्थ मध्य सैडसंग अटे बुझल आंसर हम plantative numbers. तो देख लास्ट क्वेश्चन तुम छाइज पर लास्ट क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इन स्टांजा फाइव एक्सप्रेस द पोएट्स गेस. तेल स्टांजा फाइव रे क्यों वार्डटा पोएटर कवि गेस को एक्सप्रेस कै आंसर हम दि वार्ड पर हाफ इन स्टांजा फाइव एक्सप्रेस दि पोएट्स गेस हम राइट आंसर. तेल फाइनाली आम दि सल्टेरी रिपोर्ट में जी क्वेश्चन आंसर था सब क्वेश्चन आंसर को आम गोटे भिडियो आलोचना करदे तेणु तुम्हें तुम समस्त सांग मानक क्लास टी सेयार कर दियो जहाद्वारा समस्ते ये क्लास टी देखिपर एवं जो पाने नुआ अच्छा से मैंने निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे थोड़ा बेल आइक प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दिंतु यहाँ रेगुलर क्लास देखिपर एवं क्लास टी जब लाइक करना एवं क्लास टी लाइक कर दिंतु ए सहित जदि भी कौन से डाउट रही निश्चित भाव में मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनईपर. थैंक यू.